जब अचानक टकरा गए सोनिया और मोदी, फिर जो हुआ सब हैरान रह गए। संसद का बजट सत्र इस बार काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार को चौतरफा घेरा था और इसके साथ ही बजट सत्र के दौरान सदन में कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिली जो चर्चा का विषय अभी तक बनी हुई है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी और कांग्रेस के आपसी संबंध लगातार तल्ख होते जा रहे हैं, लेकिन इस बीच संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का आमना सामना हुआ। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी नेताओं की बेंच पर जाकर कई विरोधी दलों के नेताओं के साथ बातचीत की। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी बेंच की तरफ सबसे आगे बैठी सोनिया गांधी को भी नमस्कार किया और जवाब में सोनिया गांधी ने भी हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी को नमस्कार कहा। जैसा कि सब जानते हैं कि राजनीति में दोनों नेता एक दूसरे की विरोधी रहते हैं, लेकिन बजट सत्र के दौरान और मोदी का आमना सामना हुआ, इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया। बता दें कि इससे पहले संसद भवन के सेंट्रल हॉल में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में भी दोनों नेताओं का आमना सामना हुआ था। तब भी प्रधानमंत्री ने पहल करते हुए नमस्ते कर सोनिया गांधी का अभिवादन किया, तो जवाब में सोनिया गांधी ने भी हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया था। फिलहाल इस खबर को लेकर अब आप क्या सोचते कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से निधि कालिक रिपोर्ट।